अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो बाय मी यानी ट्रैवल विद डार। तो आज काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि करी मिनाती की किसी वीडियो का रिव्यू किया जाए, उस पर रिएक्शन दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि करी मिनाती बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और इंडियन यूट्यूबर, और पाकिस्तान के भी काफ़ी जो रोस्टिंग यूट्यूबर हैं जो रोस्टिंग वगैरह करते हैं करी मिनाती को, काफ़ी मतलब कि अबू मानते हैं सीधे से अल्फाज में जो बोला जाए। तो हम तो नहीं मानते, अपना तो कोई लिंक नहीं है उसके साथ ऐसा। तो अपना काम है रिएक्शन देना, तो रिएक्शन देंगे और उम्मीद रखते हैं कि उतना वुलगर और उतना 18+ नहीं होगा। तो जहाँ पे भी होगा हम बीप का साउंड यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि अवॉइड किया जा सके, सारे देख सकें। तो शुरू करते हैं। बड़ा पाव में कैलोरीज नहीं होता सर। अरे वड़ा पाव लेगा जीरो कैलोरी। अरे अभिषेक को बुलाओ लेके आए। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग यार, बहुत सेक्सी बोलता है। ये वड़ा पाव नहीं, बकचोदी का यंत्र है, कलेश की किलकारी है, बिग बॉस में चलने की चाबी है ये। आजकल बाथरूम में फोटो लगी रहती है इसकी, देख के फूड ब्लॉगर। और इस महाशक्ति को सिर्फ एक महिला कंट्रोल करती है, वड़ा पाव गर्ल। कभी इनके बच्चे ऐसे करते, कभी भी पहला ठेला देख रहा हूँ जहाँ वड़ा पाव के साथ रंडी रोना कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। दो दिन से डिप्रेशन में हूँ, नींद की गोलियां खाई थी, काम नहीं करी, गैस और बन गई, ले चूते तेरे चार वड़ा पाव। बच्चा भूखा मार दिया, लेकिन दीदी के माइक लग रहे हैं, कैमरा लग रहे हैं, फुटेज ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या गजब दुनिया यार, पाव बने ना बने, बड़ा तले ना तले, चटनी बड़ा पाव बने, बिना लोड़ा लहसुन के बड़ा पाव नहीं। अबे यार ठेला लगा के शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं भाई, हाँ चार पैक कैसे करूं भाई, मैं हाथ में दे रही हूँ, पैक कैसे करूं। ये गेंद मरवा लो, ये पहले ठेले वाली है जिसके कस्टमर पैसों के साथ दिलासा भी देते हैं। मत रो दीदी, कुछ नहीं है, मैंने से तुम्हारे आप चलो रुको मैं। और कस्टमर्स को बदले में क्या मिलता है, ले पैक कर ले। एक काम कर, वड़ा पाव भी हमें बना ले, सड़क पे बैठ जा। ये देख लो बिग बॉस सड़क पर, क्योंकि इतने कलेश के बीच में भी माइक नहीं उतर रहा है भाई, ये सारी एक्टिंग। छाती कौन पीट रहा है? अरे तो के कलेश से दूर रहो भैया, दूर रहो। ये जब आटा गूंथती होगी तो बन जाता होगा। अब एक नॉर्मल वड़ा पाव 10 से 20 रुपए का आता है, लेकिन दीदी 50 रुपए का बेचती है। क्यों? टाके लगे हुए मुंह में। क्या है, टाके मुंह में लग रहे हैं, तकलीफ खड़े होने में हो रही है। चूचा चूचा, सारी सिंपति चूचा। कस्टमर की प्लेट में गाढ़ी चटनी होती है, रो रो कर पतली हो जाती है, और फिर एकदम से हिट होता है। तो वड़ा पाव खाने आया था, तभी तो वड़ा पाव के 50 रुपए है, लेकिन दीदी का मानना है 50 रुपए में क्या मैं करूं, पति बन जाऊंगी। कोई ओवर प्राइस चीज बेच के अमीर थोड़ी हो सकता है। ना 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 ना, ना। दीदी तो गरीब है, गरीबों में गरीब है, महा गरीब। अगर यकीन नहीं होता तो बेचारे की हालत देख लो। दीदी की गरीब गाड़ी, दीदी का गरीब आईफोन, दीदी के गरीब कपड़े और पर्स, और ये सारी गरीब चीजें वड़ा पाव बेच के थोड़ी ली है, वो तो बस एक फैमिली बिजनेस है चूतिया काटने का। तू एक बात बताओ, आप लोग मेरी वीडियो बना के जाते हो, इनको व्यूज मिलते हैं, इनको यूट्यूब पैसा देता है, मेरा क्या फायदा? हरकतें चाहे ठेले वाली हो, एटीट्यूड 5 स्टार के शेफ वाला होना चाहिए। लेकिन सही बात है यार, क्या फायदा? क्या बात है, सेलिब्रिटी कस्टमर के साथ फोटो खिंचवा रही है, कस्टमर के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रही है, लेकिन मेरे क्या फायदा? अरे वड़ा पाव की रोनाल्डो, और क्या चाहिए, यूट्यूब चैनल तेरे नाम कर दे। हजारों भूखे कस्टमर आ जाए, सबसे ज्यादा भूखी तो यही बैठी है। इस रोड पे ना कुत्ता नहीं भौंकता था, आगे जाके एक मर्डर। अरे 2 मिनट चुप रहेगी तो वड़ा पाव ज्यादा बिक जाएंगे। इतना बतियाती है, इसका पति भी परेशान हो रखा है। आज मेरी वजह से अबे मैं क्या रिएक्ट करूं, सुबह से भीड़ लगी हुई है, 2 वड़ा पाव नहीं बेचे। पैसा ना कमा रही होती। अब आजकल जो भी इन्फ्लुएंसर बनता है, कंटेंट डाले ना डाले, ये जरूर बताता है कि बहुत स्ट्रगल है। बहुत दुखी स्टोरी है। बारिश होती थी, रोटी के लिए अंदर में लगते हुए देखा खुद को। अब एक बार ये देख लो, 2 साल पहले भी मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन जॉब थी, आज बहुत ज्यादा अच्छा कमाती होगी। दीदी की पीआर टीम दीदी के हॉर्मोन्स है, जैसा मूड वैसे कहानी। तो कुल मिला के दीदी से ज्यादा स्ट्रगल टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी ने किया, दीदी से ज्यादा स्ट्रगल वो पुणे के बिल्डर के बच्चे ने किया था ऐसे लिखने में, और दीदी से ज्यादा स्ट्रगल दीदी के कस्टमर की कांड करती है जब सुबह सुबह वो 50 रुपए का बड़ा पाव निकाल लाता है। पैसे लेके खड़े, उन्हें सीन पे छोड़ रखा है, क्योंकि कस्टमर तो झाट के बालों की तरह है, एक निकलता है दो और आ जाते हैं। और अगर तुम्हें एटीट्यूड नहीं पसंद तो दीदी के ठेले पे लिखा हुआ है माय लाइफ माय वड़ा पाव, खाना तो खाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझको सांस लेने में दिक्कत आ रही। अरे ठेले वालों की माधुरी दीक्षित, बोलना बंद करेगी तभी तो सांस आएगी। कसम से मैं इसके ऊपर एक किताब लिख सकता हूँ, और पहले पेज पे ये लाइनें लिखी होंगी, दीदी को अपना पति तभी हॉट लगता है जब वो ठेला खींच रहा हूँ। दीदी के कस्टमर हस्त मैथुन की जगह दस्त मैथुन करते। दीदी की ईमेल आईडी है नहीं दूंगी @bakchodi.com। अब तुमने कभी किसी भैंसे और ऊंट के बछड़े को लड़ते हुए देखा है? अबे दिल्ली का सबसे टॉप मनोरंजन, और मुझे लगा मर्द है ये। अबे लड़ रहे हो, नाच रहे हो।
ये किसका हाथ है जो इतना परफेक्टली सेंसर मार रहा है? ओए ताड़ी है। एक ऐसा हाथ तो मुझे भी चाहिए। अब गुथाई के बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने दीदी को गाड़ी में भर लिया। अरे बड़ा पाव घर पाव भर तो इज्जत रख ले, पुलिस की गाड़ी में लाइव कौन जाता है? गांड मरा गिरफ्तारी, फॉलोवर्स की गिरफ्तारी नहीं रुकनी चाहिए। अब दीदी को समझ आ गया ठेला आ चुका है खतरे में, अब निकाल लो अपने पत्ते। सबसे पहला है वुमन कार्ड, सच बात है भाई, खड़ी है ना, तो आपको उनको सपोर्ट करना है, चाहे ठेला लीगल हो या इलीगल, सपोर्ट करो यार, क्योंकि नारी है, नारी है, बढ़ते भारत की गिलकारी है, और तुम्हें हर जगह चलता है भाई ये वुमन कार्ड। दीदी का दूसरा पत्ता है फैमिली कार्ड, मैं कर सकती हूँ, मैं धूप में खड़ी हो सकती हूँ, पर मेरी माँ को आराम देना चाहती हूँ। सो सैड, रुला दिया यार, मुझे भी रुला आ गया। अच्छा ये जो पाव, ये जो बड़ा फ्राई कर रहे हैं, ये आपके मदर इन लॉ हैं? ये मेरी माता है। इतना आराम कर रही है माँ, पैसे आ रहे हो तो सामने बिठा रखा माँ को, क्या लग्जरी है। और दीदी सामने खड़े होकर सेल्फियां खिंचवा रही है, क्या मजदूरी है। अब दीदी का तीसरा पत्ता, ये तो सबसे कॉमन है, विक्टिम कार्ड। ये मेरे उंगलियों के निशान मरने में कहाँ है, ये देखो गठानी बन रही है, कहाँ है ये देखो गाइस, मेरे नक्कल पे गठानी बनी हुई है। हार्ट पेशेंट तो इसके कस्टमर है जो इतना कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। अब हर इन्फ्लुएंसर की तरह दीदी का भी कहना है पैसों से नहीं मतलब, बस मुझे वही सपोर्ट चाहिए। अच्छा सपोर्ट पैसा ही आजकल। इसका GT20 प्रो गेमिंग फोन है, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर है, जिससे तुम कोई भी गेम पबजी हो या COD कोई भी गेम हाई सेटिंग पे चला सकते हो। इसका डिजाइन भी बढ़िया है, लगता भी गेमिंग फोन ही है, और 90 FPS में गेमिंग कर सकते हो, 144Hz रिफ्रेश रेट है, डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप है। तो अगर तुम्हें भी एक बैडअस गेमर बनना है तो फटाफट फ्लिपकार्ट पे जाओ और इसे ले लो। अब ये फोन में क्यों इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पैसे को लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार, मुझे बस मालिक का मारना है। अब जहाँ पर खाना है वहाँ पर कीड़े तो आते ही हैं, ऐसे ही है, फूड ब्लॉगर ठेले पे पहुँच जाते, कहने को कुछ होता नहीं है। सबसे झूठ फूड ब्लॉगर बोल दिया पाकिस्तान, एक नंबर, फिर व्यूज भी एक नंबर, एग्जाम में मार्क्स भी एक नंबर, और जब इन्हें कुछ अलग करने को बोलो भाई, इस उम्र में पलंग से पहले तू टूट जाएगा। लेकिन मैं सुनने में आया कि बिग बॉस में भी एंट्री होने वाली है आपकी? नहीं भाई, बिग बॉस OTT 3 में मैं अपने आप को विनर तक लास्ट तक देखना चाहती हूँ। पहुंच गए हेडक्वार्टर्स, बिग बॉस इनका T20 वर्ल्ड कप है, सालों बकचोदी करनी पड़ती है तब आता बुलावा। मुझे भी चले जाना चाहिए यार, क्या मैं जा रहा हूँ क्या? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं अपनी बिग बॉस इंट्रो प्रमोट कर सकूं। ठेले को अपाहिज कर दे तो टपरी बन जाती है, और एक टपरी वाला बड़ा फैल रहा है डॉली चाय बेचने वाला, रोज रॉयल नहीं खरीद सकता, रोज रॉयल रॉयल रंबल गाड़ी नहीं पता कौन सी। ये सोच रहा है ये गाड़ी में से चिमटा क्यों निकल रहा है, लोगों को लग रहा है चाय बेच के रोज रॉयल। इसने मारुति 800 का टायर नहीं है इस पे, एक नॉर्मल चाय वाला गरीब होता है, ये बस मशहूर गरीब है, और जो लोग सही में अमीर है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी चीजें प्रमोट करवा रहे हैं, दुबई ही बुला लिया इसे। डॉली भाई ने चाय से स्टार्ट किया और आज दुबई की सबसे महंगी जगह में खड़े हैं। पब्लिक प्लेस है, अरे तो कहीं रूफटॉप पे तो ले जाते, खुद की गरीबी छुपाई नहीं जा रही है, दूसरों को अमीर दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा कोई मुर्गी रेगिस्तान में घूम रही है, ये सक्सेसफुल है नहीं, लोगों ने जबरदस्ती ऐसी वीडियो बना रहे हैं। टॉली पहले चाय बेचता था और अब क्या, अभी भी तो चाय ही बना रहा है। हम कौन है छपरी, हम क्या कर सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, लाओ ठुकरा है जमाना, ये सब नहीं, कमाल की बात है, दिखता भी चाय पत्ती जैसा। कुछ लोग हैं जो बुराई भी मेरी करते हैं और बनना भी मेरी तरह चाहते हैं। इस बकरी के पिसाच की तरह कौन बनना चाह रहा है, मोदी जी की स्ट्रगल स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी बना रखा है। क्या बात है, अबे चुड़ैल होता है, अरे मेरा गाना क्यों लगा रखा है यार, ये मेरी नाकामयाबी का अंधेरा है। अब इसकी जिंदगी तब बदली जब इसने बिल गेट्स को चाय पिलाई। आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं जहां बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। Hi guys, Bill here. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरी बीवी ने मुझसे ब्रेकअप कर ले क्योंकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसलिए मैं इंडिया आया हूँ अपना माइक्रो करने। So let's start this vlog. मैं भी अपनी बीवी को यह बोलते थे वो मारो मार की बैठे खैर मैं छपरे आने में टाइम लगेगा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है अबे यार ये भी तुम्हारे आउटफिट का पार्ट है? एक्सक्यूज मी, ये आउटफिट का पार्ट नहीं है, डॉली का स्टाइल है। वाओ क्या कहते स्टाइल को,
छपरी काम छपरी है ओए क्या बात है अबे यार ओए 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 यार वाली बात वाओ अबे यार मे बी ट्राई करूं अब यार क्या चीज है अरे डरो मत ना प्यार से चाटो मैं बताता हूँ रुको ये देखो ओए यार क्या यार हैवी कर गया सुट्टा पीता है कभी कौन सी चौटी गौ ए भाऊ लो ना भाऊ अरे मुंह में लो ना भाऊ तुमने बताया नहीं ओए अबे असली आ गया क्या इतने नकली होगी फक मी चोस साला बिल गेट्स पेन के निकले तू चेक पे जो स्पेनेटिया ए बस और बच्चो दी नहीं आराम से दो रुको मैं पास प्ले टी आराम से भाऊ गरम अच्छा ही अच्छा ही थैंक्स सेल्फी यार मजे बस यार बस बहुत ठेले टपरी देख लिया अब 10 दिन तक तो सड़क पे नहीं निकलूंगा मैं अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो एम करते हैं 3 मिलियन लाइक्स के लिए और अगर तुम लोग नए हो तो क्या कर रहे हो यार वो जो सफेद वाला बटन है उस पे चाय फेंक के मारो या फिर बड़ा पाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए और अगर तुम्हें भी एक बैडेस्ट गेम खेलना है तो फटाफट इन वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड बहुत मजा आया यार बहुत ही नेचुरल मतलब कि क्या एक्टर है यार मैं देख के इसको परेशान हो गया हूँ इतना ओरिजिनल लगता है जैसे वो आगे कहता ना कैसे हैं सब तो वो बड़ा मतलब कि बहुत ही यूनिक एक चीज़ है और बहुत मज़े की चीज़ लगती है जब ये बोलता है और जब ये रोस्टिंग कर रहा होता है खैर मुझे कोई इतनी फनी नहीं लगी मतलब कि झुकते झुकते जो कर रहा होता है तो बस ठीक है सेंसिबल तो है कि भाई इस बात तो सही कर रहा है कि यार ये क्या चीज़ें लगाई हुई हैं तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।